जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे HDIL कंपनी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट है, कंपनी रियल एस्टेट से बिलोंग करती है। रियल एस्टेट में क्या काम होता है? रियल एस्टेट में होता है प्रॉपर्टी बनाने का काम, जैसे कि किसी खाली ज़मीन पर हाउसिंग डेवलपमेंट यानी कि भवन बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। यही बेसिकली यह कंपनी काम करती है। देखिए, वर्तमान में अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 261 करोड़ रह गया कम होकर। लेकिन एक समय ऐसा था जब इस कंपनी का मार्केट कैप भी हज़ारों में हुआ करता था, और मार्केट कैप कम होने की वजह इस कंपनी का शेयर प्राइस वर्तमान में चल रहा है 5.50 रुपये। लेकिन शेयर प्राइस कम होने की वजह से इस कंपनी का मार्केट कैप भी कम होकर रह गया 261 करोड़ रुपया। देखिए, एक समय था जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 1,1200 के आसपास हुआ करता था। वह समय था साल 2008 का। जनवरी 2008 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1,026 रुपये था। लेकिन हम जानते हैं कि 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, और जब शेयर बाज़ार क्रैश हुआ था तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो शेयर प्राइस है, कम हो गया था। मार्केट क्रैश के पास अगर हम अगले ही साल देखें तो 2009 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस रहा कम होकर रह गया 104 रुपया, जबकि साल भर पहले तक जहाँ इस कंपनी का शेयर प्राइस 1,026 रुपये हुआ करता था। हालांकि 2009 के बाद और इस मार्केट क्रैश के बाद धीरे धीरे इस कंपनी ने अपने आप को बाउंस बैक करना शुरू किया, और इसका शेयर प्राइस बढ़कर 2010 में 300-400 के आसपास आया भी था। लेकिन पता नहीं, कुछ कह सकते हैं कंपनी में भी कुछ इंटरनल गड़बड़ी रहा होगा। धीरे धीरे इस कंपनी का मार्केट के अगर देखें, शेयर प्राइस देखें अगर 2010 के बाद, तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जाने लगा, और फाइनली 2017 आते आते इसने अपना दम तोड़ दिया, यानी कि शेयर प्राइस ने दम तोड़ दिया दोस्तों। और 2017 में 64-65 रुपये के आसपास तक, ज़्यादा जब 50 रुपये से ऊपर पहली बार इस कंपनी का शेयर प्राइस देखा गया था 2017 में था। 2017 के बाद अगर देखें तो वर्तमान में 2021 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 5.5 रुपये के आसपास कम होकर रह गया है। अब देखिए, वर्तमान में इस कंपनी में चल क्या रहा है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। देखिए, अभी यह कंपनी IRP स्टेज वन में है। ये IRP क्या होता है? IRP होता है इंसॉल्वेंसी एंड रेजुलेशन प्रोसेस। देखिए, कंपनी दिवालिया हो चुकी है, इसके ऊपर कर्जा काफ़ी अधिक था, और इसलिए इस विवाद को NCLT में चल रहा था। NCLT में क्या होता है, NCLT में जब कोई कंपनी जाती है, जब उसके ऊपर काफ़ी कर्जा बढ़ जाता है, तो वह विवाद IBCA के एक्ट है जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्टी कोड, उसी के अंतर्गत यह इंसॉल्वेंसी एंड रेजुलेशन प्रोसेस चलाया जाता है, जिसमें कंपनी की संपत्तियाँ बेचकर उस कर्जे को चुकाया जाता है। यही प्रोसेस अभी इसमें चल रहा है, और अभी यह कंपनी IRP स्टेज वन में है। तो जब भी कोई कंपनी IRP स्टेज वन में हो या GSM स्टेज में हो, उसमें ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, यानी उसमें सप्ताह के 5 दिन ट्रेडिंग नहीं होता है, सिर्फ एक दिन किसी दिन ट्रेडिंग होता है, और जनरली वह दिन मंडे का होता है। तो इस कंपनी में भी सिर्फ मंडे के दिन ही अभी ट्रेडिंग चल रहा है, और आज मंगलवार है तो आज इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, और कल मंडे के दिन का यह प्राइस है 5.50 रुपये। अब देखिए दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है इस कंपनी का, क्योंकि बहुत से निवेशक जिन लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट था वो घबराए हुए हैं, चिंतित हैं कि उनके रुपयों का, यानी कि जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनके शेयर का क्या होने वाला है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही होती है, तो बहुत सारी कंपनियां इस कंपनी को, जो कंपनियां NCLT विवाद से गुजर रही होती हैं, उनको खरीदने के लिए बिड प्लेस करती हैं। तो इस कंपनी को भी खरीदने के लिए आप देखेंगे तो बहुत सी कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं, जिसमें जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो नाम है अडानी प्रॉपर्टीज़ का। अडानी प्रॉपर्टीज़ अडानी एंटरप्राइजेज का ही कह सकते हैं ग्रुप का कंपनी है। ये कंपनी सबसे आगे चल रही है इस कंपनी को खरीदने के लिए। हालांकि अडानी प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी बहुत सारी कंपनी, जैसे देखेंगे सनटेक रियलिटी है, सुरक्षा ARC कंपनी है, ये कंपनी भी चाहती है कि यह कंपनी इनको मिल जाए। इसका प्रोसेस होता है, जो बिड प्लेस किया जाता है, और बहुत से देखा जाता है जो कंपनी अच्छे से इसको रन करा सकती है NCLT में जाने के बाद, उसको कंपनी दे दिया जाता है। तो बहुत उम्मीद है कि यह कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज़ को ही मिल जाएगा। अडानी प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से फिर HDIL कंपनी को रन कराएगा। तो देखिए, अभी अडानी प्रॉपर्टीज़ को यह कंपनी मिला नहीं है, हैंड ओवर पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी बात चल रहा है। इसलिए बहुत से लोग ये मान लिए हैं कि अडानी को यह कंपनी मिल गया है और जम के इसमें निवेश कर रहे हैं, जबकि यह गलत है। अभी भी यह कंपनी एक पेनी स्टॉक है, अभी भी यह कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के तहत गुजर रही है। अभी ना तो ये मैटर क्लियर हुआ है और ना ही अडानी प्रॉपर्टीज को कंपनी 100% मिला है। इसलिए आंख बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आपको आगे नुकसान हो सकता है। अब थोड़ा सा एक नज़र इस कंपनी के फंडामेंटल पर डालें तो देखिएगा, आप इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है निगेटिव में है, -47.6 रुपये के आसपास। माइनस कहने का मतलब हुआ कि इस कंपनी का जो लायबिलिटीज है इसके असेट्स से अधिक है, यानी कि कंपनी का कर्जा अधिक है। अगर एक कंपनी कल को डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है जब तक कि कोई दूसरी कंपनी इसको हैंडओवर नहीं कर ले, समझ गए। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे निगेटिव में है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में आपको कुछ कमा के नहीं देने जा रही है। कंपनी के ऊपर अगर कर्जे की बात करें तो देखिए, पिछले साल का यह अपडेट है कि कंपनी के ऊपर 2482 करोड़ रुपये का कर्जा है,
जबकि आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 261 करोड़ रुपया है। जरा आप सोचें, जिस कंपनी का मार्केट कैप 261 करोड़ है उसके ऊपर इतना हैवी कर्ज है, तो चुका कैसे पाएगी? तो स्वाभाविक है इस कंपनी का दिवालिया होना, जो हुआ, और अब इसका विवाद चल रहा है एनसीईआरटी में। देखिए, एक नज़र आप अगर होल्डिंग पैटर्न पर डालेंगे तो ये काफ़ी चकाचक देखने में मिलेगा। इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो है ही, साथ में जो विदेशी निवेशक होते हैं और जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी भी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत है। तो ये देखने में काफ़ी शानदार है कि इनकी हिस्सेदारी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है ये साल 2019 का है। 19 का डेटा अभी तक इसमें शो कर रहा है वेबसाइट पर। हालांकि वर्तमान में किसकी कितनी हिस्सेदारी है यह कहना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान का 2019 के बाद से कोई डाटा हमारे पास नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कंपनी से रिलेटेड सारे जानकारी अपडेट मिल गई होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको कमेंट में बताऊंगा। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहाँ हम खुलकर बातें करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।